अस्सलाम वालेकुम, मैं शॉप से बहुत शाम बात करें कफारा के मेगा एपिसोड में 64-65 के प्रोमो के बारे में। आज मेगा एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह जब वो उसे पिक्चर सिखाता है काफ़ी गुस्से में घर आता है। वहीं सरार जो है कोशिश करता है नौकरी की और उसे जो है एक फोटोग्राफी की नौकरी मिल जाती है जहाँ पे उसने आज जो है फोटोशूट के लिए जाना होता है। वहीं पर दूसरी तरफ उसे कहता है कि मैं हर चीज़ को संभालूंगा, पिक्चर सिखाता है और वहाँ पर काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है अपनी माँ से अगर आपने बिना किया तो मैं इस घर से चला जाऊँगा घर छोड़ के। वहीं दूसरी तरफ सितारा जो है वो काफ़ी खुश होते हैं और वहीं सरार को एक जॉब मिल आती है और दूसरी तरफ नीमी कहती है कि सब कुछ भाई और भाभी की वजह से हुआ है ये, वो सरमार को बताती है। दूसरी तरफ वो अपनी उसकी नानी से कहती है कि नहीं वो ठीक हो जाएंगे मुझे उम्मीद है, और वहीं नीमी कहती है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। नहीं उसके माँ बाप इस पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे जो है सब उसको सरार को इस तरह देख के काफी हैरान होते हैं और बातें बनाते हैं। उसके माँ बाप को भी जो है लीड क्लास ग्रुप काफी शर्मिंदगी होती है। मैंने वाले एपिसोड में देखे हैं वो कहती है कि जो है सलाह चाहे कुछ भी हो लेकिन वो घुटनों पे बैठे हैं किसी से भी मांगने के लिए नहीं। मैं उसे कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम पार्टनर कर दें आधे शेयर्स में उन्हें दे दूँ। दूसरी तरफ जो है निमी और सितारा के बारे में बातें करती है तो उसकी माँ अभी भी कहती है जी निमी का उससे कोई मुआवजा नहीं वगैरह वगैरह। वहीं उसकी माँ कहती है कि वो लड़की मरकी नहीं चाहती, तो वहीं सरार कहता है कि दुआ करें उसको कुछ ना, अगर उसे कुछ हुआ तो इस घर से एक नहीं बल्कि 2 लाशें जाएंगी। उसकी माँ काफ़ी हैरान होती है और उसका बाप भी। दूसरी तरफ जो है वो सबसे से बात कर रही होती है सलार के बारे में तो उसकी बात सुन लेता है और काफ़ी खुश होता है। आप देखना आने वाले एपिसोड में आखिर क्या होगा, क्या जो है इनके माँ बाप को समझ आ जाएगी अपने बेटे की या नहीं, आप अपने रेकमेंड के जरिए जरूर दीजिएगा।